आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की स्त्री श्रद्धा कपूर की लव लाइफ के हवाले से जेरे गर्दिश खबर के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ। श्रद्धा कपूर अपनी निजी जिंदगी के हवाले से हमेशा खामोशी अख्तियार रखने की आदी हैं और यही वजह है कि वो अपने हवाले से जेरे गर्दिश अफवाहों पर जरा कान नहीं धरती और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने कैरियर पर मरकूज किए रखती है। अदाकारा की लव लाइफ बॉलीवुड में हमेशा मतनाज़े रही, क्योंकि श्रद्धा और फरहान अख्तर के ब्रेकअप के बाद श्रद्धा का नाम किसी एक अदाकार के साथ नहीं जोड़ा गया, बल्कि कयास आरायों की एक तवील फहरिस्त है। श्रद्धा का नाम फरहान के बाद अदाकार वरुण धवन से जोड़ा, जहां अदाकारा ने वरुण से अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार किया। श्रद्धा, मुझे पता है खेतों में क्यों नहीं गए थे? क्योंकि आपको माउंटेन टॉप पे प्रपोजल पसंद है। Do you know the story? No. She proposed Varun Dhawan माउंटेन टॉप पे ले जाके 8 साल की उम्र में। अच्छा। And मतलब ये तो या बहुत ये तो पुरानी कहानी है, लोगों को पता है ये। But I don't know if you know about this, but तो वरुण ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था 8 साल की उम्र। अच्छा। Yeah, correct. हाँ। It's a funny story. It is very. We would love to know. सरको भी नहीं पता अगर आप बताओगे। It is very funny. नहीं तो मतलब हम शूट कर रहे थे, हमारे डैड्स के शूट पे गए थे और मुझे बचपन में वरुण पे एक छोटा सा क्रश था। तो हम एक माउंटेन टॉप पे गए, वहाँ पे पहाड़ के ऊपर गए और खेलते खेलते गए और मैंने बोला कि मैं एक बात बोलूँगी वरुण आपसे और आपको उसको मैं उल्टा बोलूँगी तो आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे। तो मैंने बोला यू लव आई, तो उसने बोला नो नो मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है मुझे, और वो भाग के चला गया फिर। लेकिन वरुण और नताशा के रिलेशनशिप के बाद ये रिश्ता कुछ ज्यादा पायदार ना रह सका। अदाकार वरुण धवन के बाद भारतीय मीडिया पर श्रद्धा के नए बॉयफ्रेंड उनके साथी अदाकार आदित्य राय कपूर के साथ उनकी कुर्बतों की कयासराइयों ने जोर पकड़ा। लेकिन फिर दरमियान में आ गए फिल्म राइटर राहुल मोदी और उनके साथ अदाकारा की जानिब से ऑफिशियल रिलेशनशिप अनाउंसमेंट के बाद दीगर तमाम कयासराइयों ने दम तोड़ दिया। राहुल मोदी के साथ अपने करीबी रिश्ते का इंकशाफ अदाकारा श्रद्धा कपूर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए किया। इंस्टाग्राम पर जारी स्टोरी में श्रद्धा कपूर के हमरा राहुल मोदी को देखा जा सकता था, जिसके बाद मतदाताओं को राहुल और अपनी मोहब्बत के बारे में आगाह करते हुए श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी को कैप्शन देते हुए लिखा कि दिल रख ले लेकिन नींद वापस कर दे यार। अगरचे अदाकारा श्रद्धा कपूर की जानिब से अपने रिलेशनशिप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की स्टोरी उनके रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर गई, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी भारतीय मीडिया पर गर्दिश करने लगी। भारतीय मीडिया पर जोड़े के ब्रेकअप की खबरें ब्रेक करने की वजह दरअसल अदाकारा श्रद्धा कपूर का इंस्टाग्राम अकाउंट से राहुल मोदी को अनफॉलो करना था, जिसके बाद श्रद्धा ने रिवायत को बरकरार रखते हुए एक और दिल तोड़ दिया। राहुल मोदी से ब्रेकअप के बाद हाल ही में बहसों उभरी थी कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट रेडिट पर अदाकारा श्रद्धा कपूर के रिलेशनशिप की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। रेडिट पर जारी की जाने वाली अपनी एक पोस्ट में एक सारिफ ने इंकशाफ किया है कि बॉलीवुड की स्त्री श्रद्धा कपूर राइटर राहुल मोदी को नहीं बल्कि किसी और को डेट कर रही है। रेडिट सारिफ ने लिखा कि मुझे एक कंफर्म रिपोर्ट मिली है कि श्रद्धा कपूर किसी ऐसे शख्स को डेट कर रही हैं जिसका ताल्लुक सिंधी घराने से है और वो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है। सारिफ ने मजीद लिखा कि अदाकारा का मुबैना बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन है जो बॉलीवुड मूवीज पर इन्वेस्ट करता है। सिर्फ यही नहीं, श्रद्धा का सिंधी बॉयफ्रेंड ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री की प्रमोशन के दौरान अदाकारा श्रद्धा कपूर के हमारा दिल्ली में भी मौजूद था और दिखने में वो श्रद्धा कपूर से इंतहाई कम उम्र लगता है। भारतीय मीडिया पर फिलहाल श्रद्धा के मिस्ट्री मैन की खबरें सुर्खियों का हिस्सा बन रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये जोड़ा जल्द शादी करने वाला है, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये खुदा जानता है या श्रद्धा कपूर खुद। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स करें, वीडियो को लाइक और खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड की मजीद खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए खबर वाला के।